चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को देहरादून ट्रैफिक पुलिस के जरिए सम्मानित किया जा रहा है। अभियान के तहत 5,000 से 50,000 तक का इनाम रखा गया है। वहीं एसपी ट्रैफिक का अक्षय कोंडे ने 5 लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने सड़क पर घायल लोगों को बाइक या ई रिक्शा के सहारे अस्पताल पहुंचाया है। वहीं घायलों की मदद करने वालों को एसपी ट्रैफिक अक्षय कोंडे ने प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम देकर सम्मानित भी किया। साथ ही लोगों से अपील की कि सड़क हादसे में घायल लोगों के लिए पहला एक घंटा काफी अहम होता है, जिसमें अगर इस बीच उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए तो उनकी जिंदगी बच सकती है। जो लोग थे जिन्होंने इसी तरीके की मदद की उनको चिन्हित करके 5,000 रुपये कैश और सर्टिफिकेट के तौर पे हम उनको पुरस्कृत करें। तो आपके माध्यम से मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि ये जो कानून है बहुत ही सरल कानून है। जो पहले होता था कि घायलों की मदद करने पे लोगों को डर लगता था, कहीं पुलिस बयान के लिए बुला ना दे, बार बार ना बुला दे, तो मैं बताना चाहूँगा इस एक्ट के अंडर ना तो पुलिस आपको नाम पूछ सकती है, ना आपको हॉस्पिटल में कहीं आपका नाम लिखने की ज़रूरत है। बस किसी बहुत जो हम लोग गोल्डन आवर का रूल लगाते हैं कि अगर एक्सीडेंट के बाद पहले एक घंटे में अगर किसी को मदद मिल जाए तो हम 98% कैजुअलिटीज जो है जो सड़क दुर्घटना से होती है उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसी के तहत पैद किया। तो जो भी आज 5 लोग को हमने पुरस्कृत किया उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी से, आप देखेंगे किसी ने ई रिक्शा से, किसी ने अपने बाइक पर बिठा के तुरंत हॉस्पिटल पर घायलों को पहुँचाया और कहीं ना कहीं उनकी जान बचाने में मदद की है। तो ये कार्रवाई हमने या ये इनिशिएटिव हमने लिया और ये आगे भी चलता रहेगा। तो